इन दिस प्रॉब्लम देर इज ए कम्पोजिट रोड मेड ऑफ थ्री रोड ऑफ इक्वल लेंथ इन तीनों की लेंथ सेम है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज ऑल्सो सेम लाइक दिस दर्मल कंडक्टर द एंड ए एंड एंड बी आर इट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ओके इन दोनों एंड का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मान लो यहाँ पे टी वन है और यहाँ पे टी टू है

तो नेट रेजिस्टेंस कैन मेटर एज आर इक्वल टू आर वन प्लस आर आर टू प्लस थ्री ये बात आपको समझ में आ गई होगी चैप्टर तो में आर की वैल्यू क्या होती है आपका एल अपॉन के तो आर वन की जगह लिखूंगा एल अपॉन के बाई टू इंटू ए आर टू की जगह लिखूंगा एल अपॉन फाइव के इंटू ए आर थ्री की जगह लिखूंगा एल अपॉन के इंटू एंड नेट रेजिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप कंप्लीट लेंथ देखो तो कितना हो जाएगा एल 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 इट इज थ्री एल एंड लेट इफेक्टिव कंडक्टिविटी इज के डैश एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल ए यहां से आप देखोगे एल अपॉन ए सब जगह कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा थ्री अपॉन के डैश कैन बी रिटर्न एज अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा इट इज़ टू बाई के प्लस वन बाई फाइव के प्लस वन बाई के तो अगर मैं इसको फाइव बना लूँ तो ये हो गया मेरा फाइव के फाइव टू या टेन ये मेरा हो गया फाइव के ऊपर फाइव आ जाएगा टेन प्लस वन इलेवन फाइव सिक्सटीन तो वी कैन से थ्री बाई इज सिक्सटीन बाई फाइव के आपको कैडेश की वैल्यू निकालनी है कैडेज वैल्यू फाइव इंटू थ्री कितना हो जाएगा फिफ्टीन के बाई सिक्सटीन सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर